हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें बात करनी है कि किस तरह से लास्ट मिनट पे लास्ट 20 डेज में हमें इम्प्रूव करना है। सो फाइनल टिप्स हाउ टू इम्प्रूव। सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान में रखनी है दैट डोंट टेकन फॉर ग्रांटेड, जो कि नॉर्मली बच्चों की एटीट्यूड रहती है। 10% बच्चे मेहनत करते हैं बट बाकी के काफी सारे बच्चे हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। एग्जाम के लिए यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू सीरियसली वर्क ऑन इट, सो डोंट टेकन फॉर ग्रांटेड। उस दिन नहीं होगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो। डू नॉट डू द राइटिंग प्रैक्टिस। आपको खाली पढ़ के तैयारी नहीं करनी है, आपको लिखना भी है, बिकॉज यू हैव हर्ड प्राइम मिनिस्टर सेड इन परीक्षा पे चर्चा, यू हैव राइटिंग एग्जाम। राइटिंग एग्जाम में हमें हाथ को ट्रेन करना है, तो प्रैक्टिस करो। कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन दो तीन हर सब्जेक्ट के लिखो, लिखोगे तो स्पीड बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यू हैव टू राइट कंप्लीट पेपर। सो मेनी स्टूडेंट्स दे डोंट राइट ओनली। अगर बच्चा आप लिखोगे नहीं तो मार्क्स कोई कैसे देगा? लिखना जरूरी है, ब्लैंक छोड़ के मत आओ। आपको 8 क्वेश्चन लिखने हैं तो आउट ऑफ 12 और 13 बेस्ट 8 सिलेक्ट करके लिखो और लिख के आओ, छोड़ना नहीं। इम्प्रूव योर स्पीड एंड गुड हैंड राइटिंग। योर हैंड राइटिंग नीड टू बी लिजिबल। मैं स्पीड की बात करूं, अभी हमने प्रीलिम्स एग्जाम्स किए, अच्छे अच्छे बच्चे पेपर खत्म नहीं कर पाए। सो इफ यू हैव नॉट रिटन 5 मार्क क्वेश्चन मीन्स फॉर यू पेपर 95, और 95 के पेपर में 99 कैसे आएंगे? सो यू हैव टू वर्क ऑन स्पीड एंड गुड राइटिंग। टीचर को पढ़ना है, उनकी सोचो, उनके बारे में सोचो कि वो कैसे पढ़ेंगे। कई बच्चे जानबूझ के ए डी बी उस तरह से लिखते हैं कि पता ही नहीं चले एमसीक्यू में कि उसने लिखा क्या है। सो डोंट ट्राई टू चीट द टीचर्स, अल्टीमेटली यू विल बी द लूजर। तो ये गलती कभी मत करो। रीचेक योर पेपर इन लास्ट 5 मिनट्स। आपको आपके पेपर को जस्टिस देनी है। लास्ट में कम से कम टाइम प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए यू कैन गो थ्रू योर पेपर एंड यू फील सेटिस्फाइड, यस आई हैव डन इट। वो जो फीलिंग है, दैट मोटिवेटिंग फीलिंग इज मस्ट। सो यू हैव टू रीचेक योर पेपर। आस्क योर टीचर्स, आस्क योर पेरेंट्स, आस्क योर यूट्यूबर्स, आस्क योर ट्यूटर्स, जिन लोगों ने पूरे साल आपके पीछे मेहनत की है उनसे पूछो। टेक देयर गाइडलाइन, टेक देयर गाइडेंस, रिस्पेक्ट देम, दे हैव वर्क फॉर योर बेटर रीजन। तो उनकी भावना का सत्कार करो, सम्मान दो, और अच्छे से उनके साथ व्यवहार करके डोंट स्पॉइल योर ब्रेन, डोंट इरिटेट योर सेल्फ। पीस ऑफ माइंड चाहिए, अच्छे से बिहेवियर करो। वर्क हार्ड एंड लास्ट फ्यू डेज इट्स द गेम चेंजर डेज है। तो अगर आपको गेम चेंज करनी है तो इतने में भी आप कर सकते हो। ऑल द गाइडलाइन गिवन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन, ब्लूप्रिंट्स गिवन, सारी चीजें दी है आपके लिए। तो उस सारी चीजों को ध्यान में रख के तैयारी करो। यू हैव 20 MCQ, सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू। एंड गवर्नमेंट हैज, GCB हैज गाइडेड टीचर्स टू करेक्ट द पेपर एज पर द आंसर की से डिफर है, पर अगर कंटेंट सही है तो बच्चे को मार्क्स देना है। सो दीज ऑल आर फेवरेबल कंडीशन फॉर यू, सो ग्रैब इट एंड गेट गुड रिजल्ट। एनी क्वेश्चन यू हैव प्लीज राइट इन कॉमेंट, शेयर योर रिजल्ट वेन योर रिजल्ट विल कम आउट, एंड लेट अस ऑल्सो चेरिश फॉर योर सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। सो लेट्स गेट सेट गो, ऑल द बेस्ट।